आज हम पेंटिंग का एक असाइनमेंट करेंगे और देखेंगे कैसे लगाएंगे पेंट। स्टार्ट में आना है ऑल प्रोग्राम्स में, वहाँ से एक्सेसरीज में आना है और फिर पेंट पर क्लिक कर देना है। पेंट पर क्लिक कर देने के बाद ये ऐसी पेंटिंग की इमेज आ जाएगी। अब हम सीखेंगे सबसे पहले कि कंप्यूटर बनाएंगे इसके ऊपर। कंप्यूटर बनाने सबसे पहले जो शेप्स है वहाँ से रेक्टेंगल लेना है। ये ऐसे रेक्टेंगल ले लेंगे और उसके अंदर ही एक और रेक्टेंगल ऐसा ले सकते हैं हम स्क्रीन बनाने के लिए। ये हो गया। उसके बाद जो मॉनिटर है उसका एक ऐसा स्टैंड टाइप में हम बनाएंगे। अगर ये थोड़ा दूर हो गया तो इसके कॉर्नर पे जो ऐसे चार एरो आएंगे, जब ये भी दो एरो आ रहे हैं तो उसको हम साइड में ले सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, फोर एरोस यहाँ पर आ नहीं पा रहे इसलिए। ये फोर एरोस से हम इसको ऐसे साइड में ले सकते हैं। साइड में लेने के बाद इसको दो एरो जब आएंगे उससे ऐसे छोटा कर सकते हैं, और ये नीचे से जो दो एरो आएंगे उससे ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं इस तरह। उसके बाद अब रखने के लिए जो स्टैंड है, तो इसके लिए हम ये ओवल शेप लेंगे और साइड से अगर कम ज़्यादा होता है तो इधर से हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा मॉनिटर। इसको हम कहेंगे मॉनिटर। तो इस पर हम टेक्स्ट टूल लेना है और लिखना है मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। इसका भी जो फोर एरोस आते हैं उससे हम उसको साइड में ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देना है, फॉन्ट का साइज यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया मॉनिटर। अब हम बनाएंगे माउस। तो माउस के लिए हम ये ओवल शेप लेंगे और कुछ इस तरह से बनाएंगे। फिर ये एक ये जो टूल है इससे हम यहाँ पर से इसको ऐसे बंद कर देंगे ताकि इसमें दो क्लिक्स हम ला सकें। दो क्लिक के लिए सबसे पहले ये इधर से एक बनाएंगे हम ऐसे क्लिक, और ये है राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक। तो ये वाला जो रहेगा इसको हम कहेंगे राइट क्लिक, इधर का क्लिक को हम कहेंगे राइट क्लिक और इधर का रहेगा लेफ्ट क्लिक। तो हम टेक्स्ट टूल से यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट क्लिक और यहाँ पर लिखेंगे हम राइट क्लिक। उसके बाद बीच में जो स्क्रॉल बटन होगा, तो व्हील बटन या स्क्रॉल बटन हम उसको कहते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा ओवल शेप रख देंगे। तो ये रहेगा स्क्रॉल बटन। इसको हम कहेंगे स्क्रॉल बटन। या फिर व्हील बटन ऐसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये माउस का हो गया। अब माउस का हम वायर यहाँ से ले लेंगे। ये जो कर्व है कर्व वाला, इससे हम कर्व कर सकते हैं लाइन। तो इसके लिए हमें कैबिनेट लगेगा। ये माउस का जो केबल रहेगा वो सीपीयू में लगता है, और हमें अभी कीबोर्ड भी बनाना है। कीबोर्ड के लिए हम इस तरह से रेक्टेंगल पहले ले ले रहे हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद हम इस साइड में कीबोर्ड बना देंगे, या फिर इसको सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक वाला जो हमने लिखे हैं इसको हम साइड में कर देते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पर हम कीबोर्ड के लिए रेक्टेंगल लेंगे, और रेक्टेंगल लेने के बाद ये ऐसे बनाएंगे। तो अभी हमको कंट्रोल ये जो एरो है इसको इरेज कर देना होगा। इरेज के लिए हम इरेजर लेते हैं। ये जो एरो का पॉइंट इधर आ रहा है, और इरेजर को बड़ा करने के लिए कंट्रोल दबाकर प्लस दबाकर रखना है। हमारा जो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के अंदर ये जैसे कंट्रोल है, पहले कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और प्लस को प्रेस करके रख देना है, बाद में ऐसे छोड़ देना है। बड़ा करने कंट्रोल प्लस, छोटा करने कंट्रोल माइनस से इरेजर बड़ा छोटा होगा।
तो हम कंट्रोल प्लस से थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे और इसको इरेज कर सकते हैं हम ऐसे, और जो लेफ्ट क्लिक हम बताना चाह रहे थे तो उसको ऐसे कर देंगे ताकि कीबोर्ड में जगह मिल जाए। फिर ये छोटे छोटे यहाँ से हम, जैसे स्पेस बार है तो स्पेस बार के लिए यहाँ पर हम ऐसे स्पेस बार बनाएंगे और ऐसे बटन्स। तो अभी ऐसे डमी हम एक उसको सीरियसली ना बनाते हुए हमें नॉर्मली जल्दी जल्दी बना देंगे। अब इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी होगा और पेस्ट। तो ये जो सेक्शन है इसको कॉपी करने के लिए यहाँ पर जो सेलेक्ट टूल है, सेलेक्ट टूल से जो भी की को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद में हमें करना है कॉपी, क्लिपबोर्ड में कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी पे क्लिक करने के बाद पेस्ट, पेस्ट पर जाकर हम यहाँ से लेकर आकर उसको लगाते रहना है ऐसे, फिर उसको फिर पेस्ट करना है, पेस्ट करेंगे तो फिर आ जाएगा, फिर उसको ऐसे बनाते रहना है। यहाँ पर एरोस रहेंगे, तो ऐसे आपको बनाना है कीबोर्ड और इसके पूरे कीस, एरोस को कहेंगे हम नेविगेशन कीस, यानी कि जो नेविगेट करेगा। थोड़ा सा कीबोर्ड आप बड़ा भी बना सकते हैं। ये नेविगेशन कीस, ये इधर के अलग अलग कीज रहेंगे जो हम पेस्ट करके रख देंगे इसमें, और ये F1 से F12 को बोलेंगे हम फंक्शन कीज। ये कीबोर्ड को हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे कि किसको क्या क्या कहते हैं, इसको एक अलग से ही कीबोर्ड बनाना रहेगा। तो ये ऐसा जो रहेगा सारा, तो ये रहेगा कीबोर्ड, अगर इसमें मल्टीपल ज़्यादा अगर चाहिए हमें तो हम इसको ज़्यादा बार पेस्ट करेंगे ये इस तरह से। ये ऐसे पेस्ट करते जाएंगे और सेलेक्ट से फिर उसको सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम उसको दोबारा रख सके आसानी से। तो सेलेक्ट के साइड से हमें कम सिलेक्शन लेना है, कॉपी पेस्ट हम करेंगे अब तो अब हमारे पास ज़्यादा इस तरह से आ जाएगा। अभी हम इसको डमी कीबोर्ड बना रहे हैं, बाद में हमको एक अच्छा कीबोर्ड बनाना होगा जिसमें सारे नाम लिखकर आएंगे। यह हम एक टेम्पररी तौर पर बना रहे हैं कीबोर्ड। जहां पर अब दो नहीं आ रहे तो वहां पर हम चार की बजाय दो ले सकते हैं। साइड से हमें एग्जैक्टली वैसे ही लेना है ताकि उसका बराबर से फिट हो जाए। अभी ये मिसाल के तौर पे जैसे कीबोर्ड अब बन जाएगा, अब इसको रोटेट करना है अगर, तो यहाँ से हम रोटेट भी कर सकते हैं इस डायरेक्शन में करने के लिए। ये हो गया कीबोर्ड, इसको अब नाम देंगे कीबोर्ड इस तरह से। यहाँ पर उसकी स्पेलिंग ऐसे लिखना है की के ई वाई की बी ओ ए आर डी बोर्ड। तो ये हो गया कीबोर्ड। अब बनाना है सीपीयू। सीपीयू के लिए हम लेंगे रेक्टेंगल शेप और अब उसे इस तरह से यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर सीडी डिवीडर राइटर के लिए भी हमें यहाँ पर से रेक्टेंगल लेना है और यहाँ पर ऐसे सीडी डिवीडर राइटर का हम ये ऐसा बना देंगे। उसका एक छोटा सा बटन भी आता है तो यहाँ पर थोड़ा बटन बता देंगे। उसी तरह से एक पावर बटन बना सकते हैं, यहाँ पर एक पावर बटन बना देंगे और इसको अगर साइड में लेना है तो कंट्रोल जेड भी हम कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा पावर बटन।
और यहाँ पर यूएसबी के पोर्ट्स पेन ड्राइव लगाने के लिए जो रहेंगे। अब इसको कभी कभार दो भी आते हैं ये, तो इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ये यूएसबी पोर्ट्स, एक रीस्टार्ट का बटन भी कभी कभार किसी पीसी में होता है, तो यहाँ पर छोटा सा एक रीस्टार्ट का बटन दबा दे बना देंगे। और इसको थोड़ा सा इस तरह से और एक शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा सीपीयू। सीपीयू में अलग अलग पोर्ट्स होते हैं जिसमें कनेक्शन होते हैं। मॉनिटर का एक जाता है जिसको हम कहते हैं पावर केबल, एक होता है और एक वीजीए केबल। एक अब बोर्ड बनाएंगे हम, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेंगे, ये बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड में हमारे पास में दो सॉकेट्स रहना ज़रूरी है कि सॉकेट वन, सॉकेट टू, या फिर एक सॉकेट में भी कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्सटेंशन अगर हम करते हैं तो एक्सटेंशन में दोनों होते हैं। अब यहाँ पर दो बटन हम लगा देंगे, ये बटन वन और ये बटन टू। सॉकेट्स के लिए हम यहाँ पर ऐसे पोर्ट के लिए ये ऐसा बनाएंगे, एक पावर प्लग जो है तो मॉनिटर में लगेगा और एक सीपीयू में। अब हमें पावर केबल के लिए, पावर प्लग के लिए ऐसे कर्व लाइन वाला एक बना देना होगा। एक मॉनिटर की पिन इसमें आएगी, पावर प्लग में एक मॉनिटर की पिन आएगी, इस तरह से लग जाएंगी। और एक होती है वीजीए केबल। वीजीए केबल एक साइड से जो हमारा सीपीयू है उसके बैक साइड में लगेगा। एक बैक साइड वीजीए केबल, यानी के उसको बहुत ध्यान से लगाना होता है। ब्लू कलर का एक पोर्ट आता है वो। तो वो पोर्ट कुछ दोनों तरफ से इस तरह होता है पोर्ट, जिसके अंदर छोटे छोटे ऐसे पिन दिखाई देंगे, तो वीजीए केबल होता है। चारों तरफ से इस तरह से होता है वो उसका प्लग। अगर ये टूट गया तो ये इसको देखकर लगाना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत महंगा मिलता है, ये ख़राब हो सकता है। ये पावर केबल्स इसमें चले गए। अब यहाँ पर एक जो कीबोर्ड का यूएसबी पोर्ट हो सकता है या फिर PS2, उसको आप सामने भी लगा सकते हैं या बैक साइड में भी। और यहाँ पर जो माउस है, माउस भी बैक साइड में भी लगा सकते हैं या फिर फ्रंट में भी लगा सकते हैं। यूएसबी टाइप का उसका केबल होता है, इस तरह से उसको लगने में जो काम में आएगा, तो इस तरह से यूएसबी टाइप का पोर्ट होगा वायर के साथ। उसके बाद हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, इसको हम कहेंगे सीपीयू। इसमें हम नाम लिख देंगे सीपीयू, और सीपीयू का हमको फुल फॉर्म याद रहना जरूरी है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक हिसाब से ब्रेन है कंप्यूटर का, इसको हम यहां पर लिख देंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको फॉन्ट थोड़ा कम कर देंगे ताकि ये सब दिखाई देगा। ये बना लेने के बाद ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स है। और एक प्लग जाएगा
सीपीयू का, सीपीयू को यहाँ से पावर, एक अलग से पावर सप्लाई मिलेगा, वो भी एक कनेक्शन इस तरह से उसमें आ जाएगा, जिसकी मदद से पूरे पोर्ट चलेंगे, सीडी डीवीडी राइटर और हार्ड डिस्क वगैरह उसको पावर सप्लाई अंतर से वो करेगा। तभी बेसिक का एक पहला असाइनमेंट आपको ये बनाना है। फिर इसको सेव ऐसे करेंगे, हम फाइल में आना है, फाइल में आने के बाद सेव एज में जेपीजी में अगर हम बना रहे हैं, जेपीजी में बनाने के बाद यहाँ पर आप पिक्चर वगैरह लेकर नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक फोल्डर हम बना सकते हैं, न्यू फोल्डर, उसमें हम लिख देंगे असाइनमेंट्स। और यहाँ पर उसको नाम दे देंगे पेंटिंग असाइनमेंट वन। ऐसे नाम उसको दे सकते हैं। और यहाँ पर इमेजेस भी रख सकते हैं। थैंक यू।